राशन न मिलने से नाराज गरीब परिवारों का गुस्सा सड़क पर आ गया और सेमरिया सुंदरा स्टेट हाईवे को जाम कर दिया गया। मामला कोठी थाना क्षेत्र के बरहना गांव का है, जहां विगत 6 माह से राशन का वितरण नहीं हुआ, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया और कलेक्टर को बुलाने की मांग पर अड़ गए। बरहना गांव के सैकड़ों गरीब परिवार ने स्टेट हाईवे को लगभग 3 घंटे तक चक्का जाम कर यातायात ठप कर दिया। मौके पर पहुंची कोठी पुलिस प्रशासन ने गरीब परिवार को समझाइश दी, लेकिन ग्रामीण कलेक्टर को स्पॉट पर आकर निराकरण की जिद पर अड़े रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 6 माह से गांव में राशन का वितरण नहीं हुआ, कोटेदार गरीबों का राशन खुले बाजार में बेच रहा है और राशन न आने का बहाना बनाता रहा। इस बात की शिकायत जनसुनवाई में की गई, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात रहा। ऐसे में मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। आखिरकार मौके पर पहुंची रहगांव विधायक कल्पना वर्मा ने गरीब परिवारजनों को समझाइश देते हुए चक्का जाम खुलवाया और प्रशासनिक अमले को निर्देशित करते हुए तत्काल राशन वितरण करने के लिए कहा। साथ ही विधायक कल्पना वर्मा ने कहा कि प्रशासनिक अमला अगर समय रहते सुधार नहीं करता है तो हम ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। चक्का जाम ने किया है, 5 महीने से गल्ला नहीं बट रहा, गरीब परेशान हैं, इसलिए आज बाध्य होकर हम लोग यहाँ वो करें। और SDM और खाद्य निरीक्षक आते हैं तो कहते हैं, कागज में लिख के ले जाते हैं और ये कहते हैं कि ऐसा भावसा चलता रहता है, तो बताइए हम बाध्य होके आज ये कदम उठाएं। हम किसी को नहीं परेशान करना चाहते और ये जो खाद्य विभाग के जितने कर्मचारी हैं इससे भ्रष्टाचार में लिप्त है। मेरा नाम उपेंद्र सिंह चुल्लू। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ कलेक्टर साहब आएँ और इसका निराकरण करें। हम शांतिपूर्ण से किसी से अभद्रता का व्यवहार नहीं करना चाहते। 6 महीने उसका कारण ये है कि यहाँ से 6 माह से गल्ला राशन बिल्कुल नहीं मिल रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ सुचारू रूप से 6 माह के गल्ला का स्टॉक करवाया जाए और वितरण करवाया जाए। अब भूपेंद्र ये क्या नाम है जो समिति प्रबंधक है, इसको हटाया जाए यहाँ से। आया है तो वो कमीशन खोरी है। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि आपको जो मिल रहा है उसको लीजिए, बाकी आता रहेगा, जो करना हो कर लीजिए। मनभद्र सिंह।